हेलो फ्रेंड्स, बानी ट्यूब प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा चौहान आज आप लोग को टैली आरपी 9 में पेरोल बताने जा रही हूँ। सो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हमारा पेरोल किस लिए यूज होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं या कोई भी बंदा कहीं जॉब कर रहा होता है तो उसे हर महीने उसकी सैलरी मिलती है, यानी कि सैलरी, ठीक है। अब सैलरी जब मिलती है तो यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, हर किसी का डिपार्टमेंट अलग होता है, हर किसी का फील्ड अलग अलग होता है। अब ऐसे में सबकी एक ही सैलरी तो हो नहीं सकती, सबकी सैलरी अलग अलग होगी। तो ऐसे में जो सबकी सैलरी उनके काम के हिसाब से, उनके फील्ड के हिसाब से, उनके जो क्या कहते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग जो बनाते हैं, उसी ही हम लोग जो है उसे हम लोग सैलरी स्लिप कहते हैं। और इसी सैलरी स्लिप को हम लोग जो है पूरा जब हम लोग टैली पे करते हैं, हम लोग ईआरपी टैली ईआरपी 9 में, तो पेरोल के थ्रू, तो उसे हम लोग कहते हैं पेरोल, ठीक है। पेरोल यहाँ पे एक ऑप्शन जिसका नेम ही दिया है पेरोल। पेरोल जो जिसमें हमारा सैलरी स्लिप हमको क्रिएट करना होता है। अब ये सैलरी स्लिप हमें जो है एवरी स्टाफ के अकॉर्डिंग हमें जो है बनाना होता है, उसके डिपार्टमेंट, उसके काम, उसके टाइमिंग शेड्यूल, हर एक चीज के हिसाब से उसमें क्या कहते हैं उसका कितना ओवर टाइम किया, कितना एबसेंट रहा, कितना प्रेजेंट रहा, ईच एंड एवरी थिंग उसमें हम लोग सारा कुछ क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग सैलरी स्लिप क्रिएट करेंगे उसे ही हम लोग पेरोल कहते हैं, ठीक है। पेरोल करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, वैसे तो यहाँ से मैंने अपने स्क्रीन पर पहले ही पेरोल ओपन कर रखा है, लेकिन आप लोग के लिए मैं यहाँ से पेरोल को पहले मैं बंद कर देता ताकि आप लोग को पेरोल ऑन करना आ जाए, ठीक है। जैसा कि देखा कि मैंने कैसे आप लोग के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे जाके सीधा पेरोल मैंने बंद कर दिया। अब पेरोल ऑन करने का तरीका क्या होता है सबसे पहले देख सकते हैं। जब तक आपके स्क्रीन पर यानी कि टैली आरपी 9 पे पेरोल इनेबल नहीं होगा तब तक आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसा दिखेगा कुछ, कहीं भी आपको पेरोल इन्फो या पेरोल वाउचर आपको दिखेगा ही नहीं गेटवे ऑफ टैली की पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेरोल ओपन करने के लिए यानी कि पेरोल इनेबल कराने के लिए कुछ प्रोसेस है उसे आपको फॉलो करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, देन उसके बाद F1 यानी कि अकाउंटिंग फीचर। यहाँ पे हमको मेंटेन पेरोल का जो ऑप्शन है उसे हमें यस कराना है। ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मेंटेन पेरोल का ऑप्शन, इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, यस करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां से हम लोग मेंटेन पेरोल को यस करते हैं, ये वाई प्रेस किया, एंटर किया, कंट्रोल ए, बाहर आ जाएंगे। अब यहां से कंपनी फीचर से इस तरह से ये देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली हम आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद ये देखिए हमारा पेरोल इन्फो और यहाँ से पेरोल वाउचर दोनों के दोनों स्क्रीन पे अब हमारे शो करने लग गए। तो यहाँ पे अब हम लोग पेरोल का जितना भी हमें बनाना है सारा हम क्रिएट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को यहाँ तक का ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमें यहाँ पे पेरोल का काम करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखें, अभी हमारा पेरोल इन्फो ओपन हो चुका है और पेरोल वाउचर भी ओपन हो चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग अकाउंटिंग करते थे तो पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाके लेजर्स बनाते थे, फिर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके हम लोग जो है सारी एंट्री को वाउचर्स में एंटर कराते थे। ठीक इसी तरह से इन्वेंट्री से जब हमें काम करना था तो इन्वेंट्री इन्फो में जाके सारे लेजर्स बनाते थे, उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर में जाके सारी हम लोग एंट्री कराते थे। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स अब हमने पेरोल इन्फो यहाँ पे ओपन किया है तो पेरोल इन्फो में जाके हमको सारे के सारे पेरोल हमको क्रिएट करें, यानी कि पेरोल के लेजर पहले के लिए क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हमको पेरोल वाउचर में जाके सारी पेरोल की एंट्रीज करानी है। आइए ध्यान से देखिए कैसे करना है। आते हैं यहाँ से पेरोल इन्फो में, ये आ गए और सबसे पहले हम लोग क्रिएट करें। अब फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद एक बात का आप लोगों को बहुत खास तौर से ध्यान रखना जरूरी है। अभी तक क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग अकाउंटिंग करते थे, इन्वेंट्री करते थे, तो उसमें हमें जहां जैसे हमको जरूरत पड़ती थी वहां वैसे हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते थे, ठीक है। या हम लोग ऑल्ट सी करके ऑन टाइम लेजर क्रिएट की, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें ऑन टाइम लेजर क्रिएट करने की हमें सारी चीजें रटी होनी चाहिए। अगर आपको रटी हुई नहीं है तो आपसे गड़बड़ी होगी। अगर आप फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम बनाने वाले या आपने बहुत ज्यादा पेरोल इन्फो का यूज किया नहीं है तो आप लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि फ्रेंड्स कि सबसे पहले जब आप लोग पेरोल इन्फो पे आओगे तो पहले आप लोग जो है यूनिट क्रिएट करेंगे,
पहले यूनिट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप लोग पे हेड्स क्रिएट करेंगे, सैलरी डिटेल क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद लास्ट में एम्प्लॉयज को आप लोग क्रिएट करेंगे। देख सकते हैं यहां से नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, नंबर 6। तो इस तरह से आप लोग को इसमें क्रिएशन करना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सबसे पहले यूनिट, अटेंडेंस, उसके बाद पे हेड्स, उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप्स, फिर उसके बाद सैलरी डिटेल बनानी है आपको, उसके बाद आप लोग को एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, इस प्रोसीजर को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो क्या होगा कि उससे फिर आप लोग को लेजर बनाने में कोई भी गलती, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। और लास्ट में जाके आपको एकदम लास्ट में वाउचर टाइप को आपको ऑल्टरेशन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इतने आप लोग को चीजें जो है ध्यान में रखनी होगी, तभी जाके आप लोग जो है टैली आरपी 9 पे काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे यूनिट्स पे, ये देख सकते हैं यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट पे हमने सिंबल दे दिया एचआर यानी कि आवर्स के लिए, मिनट के लिए, देन उसके बाद यहां पे अब हम लोग क्रिएट करेंगे डे, नाइट ये हमने क्रिएट कर लिया। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको जो है ओवर टाइम के लिए अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे सिंपल जो लिखा हुआ है देख सकते हैं कहाँ पे कर्सर लेके जाना है, जहां पे ये सिंपल लिखा हो इस सिंपल से आपको कंपाउंड में चेंज करना है। कंपाउंड में अगर आप लोग चेंज करते हो तो उसमें आप जैसा चाहो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। यहां से हमने कंपाउंड को लिया और ये देखिए अब यहां से हमने मान लीजिए एक दिन के हिसाब से यहाँ पे लिया या हमने आर के हिसाब से लिया, आर ऑफ यहाँ पे हमने दे दिया 60 और एंटर, यहां से हमने दे दिया मिनट, एक्सेप्ट कर दिया। देन इसी तरह से यहां पे हमने ये लिया मिनट ऑफ 60 और यहां से हमने आर ले लिया, ये इस तरह से एक्सेप्ट करा लिया। देखा फ्रेंड्स, हमने इस तरह से हम क्रिएट कर लिया यूनिट। अब बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद अब हमको कहाँ जाना है, यहाँ अटेंडेंस एंड टाइप, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप पे यहाँ पे आएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमको क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे सपोज दैट हमने लिया ओवर टाइम, ओवर टाइम ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ओवर टाइम में हमको क्या चूज करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया, अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर कैलेंडर। तो हमें चूज करना है प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा जो है ओवर टाइम वो प्रोडक्शन के बेसिस पे होगा ये। और यहां से हमने डे के बजाय अगर आप ओवर टाइम ले रहे हो तो आर ऑफ 60 मिनट्स ले सकते हो ये, या मिनट्स ऑफ 60 आवर्स ले सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, यहां से हमने ये ले लिया, एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट यहां पे हमने बनाया सिक लीव, और यहां से हमने चूज किया कुछ नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस विद, अटेंडेंस, लीव विद पे, क्योंकि अटेंडेंस के साथ साथ हमने जो छुट्टी लिया हमारी छुट्टी के भी पैसे मिल रहे हैं क्योंकि हमने सिक लीव लिया है। और यहां से हमने ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं डे आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा एब्सेंट, यहाँ पे लीव विदाउट पे, ये भी हमारे डेज पे आ जाएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमको क्या लेना है, यहाँ से हमने जो है सिक लीव बना लिया, एब्सेंट बना लिया, ओवर टाइम बना लिया, इसके अलावा हम लोग प्रेजेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं प्रेजेंट, और यहाँ पे हमने यूजर कैलेंडर, डिफाइंड कैलेंडर टाइप ले लिया। ठीक है, तो ये आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया कि कैसे हमको यहाँ पे लेना है, एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये आते हैं हम इसके डिस्प्ले पर, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम लोग एब्सेंट लेते हैं तो एब्सेंट में क्या होता है कि हमें किसी भी तरह का, हमने बिना बताए अगर छुट्टी ली है, छुट्टी अगर की है,
तो हमें उसका कोई भी पेमेंट, कोई भी भुगतान नहीं मिलेगा, यानी सैलरी हमारे से वो हमारे कट जाएगा। लेकिन इनकेस अगर हमने सिक लीव लिया है, ठीक है, अगर हमने बता के जो है लीव लिया है, तो क्या होता है कि हमें लीव लेने के बाद भी हमें सैलरी पूरी की पूरी मिलती है, हमारे सैलरी में से कुछ भी नहीं कटता है। और वहीं अगर आप प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट में तो आपका ऑल ओवर फुल मंथ का जो भी सैलरी बनता है वो तो मिलेगा ही। लास्ट आता है आपका क्या कहते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा टाइम करोगे सैलरी के अलावा भी उस ओवर टाइम का पैसा भी आपके सैलरी में एड ऑन होके यानी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आप लोग का। इससे बाहर आते हैं, हमने यूनिट्स क्रिएट कर लिया, अटेंडेंस क्रिएट कर लिया, अब हम चलते हैं एम्प्लॉय ग्रुप पे ये, और यहां से हम लोग सिंगल ही क्रिएट करेंगे, मल्टीपल पे नहीं जाएंगे क्योंकि मल्टीपल पे क्रिएट करने के लिए अभी हम लोग प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, मल्टीपल पे अगर हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बेहतर ये है कि पहले आप लोग सिंगल क्रिएट करना सीखें देन मल्टीपल। मल्टीपल तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे दिया हमने मैनेजर, यहाँ पे सैलरी डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो एक्सेप्ट करा दिया, देन अकाउंटेंट, एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑफिस क्लर्क एक्सेप्ट करा दिया। प्यून, जितने भी आपके डिपार्टमेंट आते हैं उन सारे डिपार्टमेंट का हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ से डिस्प्ले पे आते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे अकाउंटेंट का बनाया, मैनेजर, ऑफिस क्लर्क, प्यून, यानी कि ये हमारे डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ काम करने वालों का। ठीक है, बाहर आते हैं इसे, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा पे हेड्स। अभी हम लोग जो है एम्प्लॉयज नहीं क्रिएट करेंगे, पे हेड्स और सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल ये देख सकते हैं डिफाइन करना होता है, तो यहाँ हम क्रिएट नहीं करेंगे, डिफाइन करेंगे। आते हैं यहाँ पे हेड्स पे, क्रिएट पे चले जाते हैं, और ये देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग बेसिक्स, सैलरी में जो हमारा बेसिक मिलता है यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमने बेसिक में हमने चूज किया तो यहाँ ऑप्शन हमारा पूछा पे हेड टाइप, पूछा पे हेड टाइप पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट आई है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी, लोन्स एंड एडवांसेस। तो हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स जो बेसिक होता है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय के बेसिस पे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये फिक्स्ड रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, ये हमारा क्या हो जाएगा सैलरी है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा यहाँ पे, ये यूजर डिफाइंड वैल्यू ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन अटेंडेंस भी कर सकते हैं, ये रहा हमारा ऑन अटेंडेंस, और यहाँ पे मान लीजिए अटेंडेंस लीव विद पे, इसमें आपने सिक लीव ले लिया। ठीक है, कैलकुलेशन पीरियड, आप डेज नाइट सब ले सकते हो इसमें, जैसा आप लेना चाहो। ठीक है, ये एक्सेप्ट करा दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे डियरनेस अलाउंस, यानी कि डीए, ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में जाएगा, ये भी फिक्स में जाएगा, और ये भी हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके यहाँ पे आएंगे यूजर डिफाइंड वैल्यू की जगह, अब ये देखिए हमारा कैसा रहेगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू या हमारा यूजर डिफाइंड वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, ये देखिए यहाँ से अगर आप ये लेते हो, यहाँ से एक और ऑप्शन है ऑन प्रोडक्शन है, ऑन अटेंडेंस, यहाँ से हमने ऑन अटेंडेंस कर दिया, यहाँ से हमने सिक लीव कर दिया, यहाँ से हमने मंथ पे कर दिया, ये देखिए मंथ, और यहाँ पे एज पर कैलेंडर पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप भी है, तो हमने एज पर कैलेंडर पीरियड ले लिया। ओके, पिछला जो हमने लेजर बनाया था बेसिक्स का, उसमें हमको एक चीज चेंज करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब सही है, ये रहा ऑन अटेंडेंस, और यहाँ पे हम डेज की जगह मंथ ले लेंगे, ये रहा। ठीक है, एज पर कैलेंडर पीरियड, और ये एक्सेप्ट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ से हमने बेसिक बना लिया, डीए बना लिया, इसके अलावा हम लोग टीए बना लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज,
यहाँ पर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज भी लिखा है, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज भी लिखा है, और एम्प्लॉयज स्टैचुटरी डिडक्शन, स्टैचुटरी कंट्रीब्यूशन, ये भी ऑप्शन। लेकिन यहाँ से हमारे एम्प्लॉयज को उसमें से डिडक्ट नहीं हो रहा, तो ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में जाएगा, फिक्स रहेगा ये। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस ये रहा। और देन उसके बाद यहाँ पे ऑन अटेंडेंस या एज कंप्यूटेड वैल्यू, हमने यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू किया, मंथ ही रहेगा ये, यहाँ पे एज कंप्यूटर वैल्यू ना करके हम दे देंगे यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू या ऑन अटेंडेंस, यहाँ हमने ऑन अटेंडेंस कर दिया। और यहाँ से आप सिक लीव, और यहाँ से हमने ये रहा मंथ एज पर कैलेंडर पीरियड, और ये हमने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, ये तो हमारे हो गए तीन बेसिक, अब आते हैं एचआर। यहाँ पे हमारा जाएगा ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड, ये भी रहेगा। यहाँ पे हमारा ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा एचआरए, और यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू या एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ से हमने ले लिया एज कंप्यूटेड वैल्यू यहाँ से, और ये देखिए ऑन करेंट अर्निंग टोटल्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि एज कंप्यूटेड वैल्यू हमने यहाँ पे चूज किया था, तो इस वजह से हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आया, और यहाँ पे हमको क्या चूज करना है, ऑन करेंट अर्निंग टोटल। यहाँ हमको डिडक्शन नहीं करना, ना ही हमको सब टोटल करना है, या स्पेसिफाइड फॉर्मूला हमको नहीं यूज करना है, हमको सिंपली ऑन करेंट अर्निंग टोटल हमको यूज करना है। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट डेट दिया, और अप टू हमने अप टू ना लेकर के हमने यहाँ से सीधा परसेंटेज लिया, और यहाँ पे हमने दे दिया सीधा सीधा 60। ठीक है, 60% हमने दे दिया, ये एक्सेप्ट करा दिया। तो ये देख सकते हैं चार हो गए। इसी तरह से इसमें आप लोग और भी चीजें आती हैं, उसको भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे पीएफ हो गया आपका, टीडीएस हो गया, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया, पे हेड्स हमने क्रिएट कर लिया, बाकी आपको और जो भी चाहिए उसमें आप क्रिएट कर सकते हो। आते हैं सैलरी डिटेल्स, यहाँ आपको डिफाइन करनी होती है, ये देख सकते हैं अकाउंटेंट है उसका, तो यहाँ से आइए हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंट, यहाँ पे हमको डेट लेना है 1/4/2021। ठीक, एंटर किया, देख सकते हैं यहाँ से हमने लिया बेसिक्स, यहाँ पे रेट दे दिया हमने 15,000। उसके बाद हमें यहाँ से चूज कर लिया डीए, ये हमने दे दिया 5,000। ये हमने चूज किया एचआरए, सॉरी यहाँ पर टीए, और ये भी दे दिया हमने 4,000। नेक्स्ट यहाँ से हमने चूज किया एचआरए, ये देखिए, और ये हमने एंटर किया, और यहाँ से हमने एक्सेप्ट करा दिया। अकाउंटेंट का हमारा हो गया, आते हैं मैनेजर का भी बना लेते हैं। इसी तरह से 1/4/2021, देख सकते हैं सब कुछ एकदम मैनुअली कर रहे हैं। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप या स्टार्टअप फ्रेश, आप पहले वाले से एम्प्लॉय ग्रुप से करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप किया, ये देखिए यहाँ से हमने पूरा पूरा इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे इनकेस अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो ये देखिए, अब क्योंकि मैनेजर है तो मैनेजर की सैलरी आपकी थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे हमारा 12,000 होगा ये, और बाकी हमारा वैसे का वैसा ही होगा। हो गया। नेक्स्ट ऑफिस क्लर्क, यहाँ पे हमने अगेन डेट दे दिया 4/2021, यहाँ पे भी कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप से ले लिया, और ये हमारा मैनेजर से कॉपी करना कर सकते हैं। और ये देखिए बेसिक जो है इसका ऑफिस क्लर्क है, तो इसको हम दे देते हैं 10,000 इस तरह से, बाकी जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग आप प्यून का भी बना लेंगे 1/4/2021, ये इस तरह से कॉपी फ्रॉम, और यहाँ से हमारा जो ऑफिस क्लर्क है इसका लिया, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से हमने दे दिया 8,000 देना चाहें या फिर आप 6 देना चाहें यहाँ से 6,000। ठीक है, और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमने यहाँ पे जो सैलरी डिटेल को हमने डिफाइन कर लिया।
अब देख सकते हैं बाहर आते हैं इससे। अब जो हमारा लास्ट है फ्रेंड्स वो है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप भी हम जहां तक है बना चुके हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो बनाना है वो है एम्प्लॉयज। चूज किया यहाँ से हमने, क्रिएट पे गए और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नेम दे दिया। यहाँ पे दे दिया हमने रवि। ठीक है, ये एंटर किया, यहाँ से हमने चूज किया रवि हमारे जो है अकाउंटेंट है, चूज कर लीजिए। यहाँ से सैलरी, डिफाइन सैलरी डिटेल, यस ये हो चुका है। अब ये देखिए कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप से आप कॉपी करना चाहेंगे या पेरेंट वैल्यू से। तो हमारी हमने यहाँ से पहला ऑप्शन लिया, तो ये देखिए अकाउंटेंट आया और ये रहा इनका बना बनाया। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो है वैसे का वैसे ही रखिए और उसके बाद यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ से हमने किया कंट्रोल ए। ठीक है, अब ये देखें एम्प्लॉय का नंबर, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में आप इनको जो भी देना चाहें, अकाउंटेंट दे देते हैं इनको। ठीक, यहाँ पे फंक्शन छोड़ देते हैं, लोकेशन अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं रामबाग, और यहाँ पे जेंडर यहाँ पे हमने दे दिया मेल, ब्लड ग्रुप यहाँ पे डीओ भी हम दे देते हैं इनका 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 19, ये देखिए यहाँ पे हमने दे दिया बी पॉजिटिव, और ये हमारा जो है बाकी अगर आप फिल करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, वैसे तो सारे डिटेल हमको भरने होते हैं, यहाँ पर हमने कुछ ही डिटेल भरा है। नेक्स्ट आते हैं, मोहिनी, यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ से ये हमारी मैनेजर हैं, इनको ले लिया, यहाँ से डेट ऑफ जॉइनिंग, सैलरी डिटेल, यहाँ से हमने वाई प्रेस किया, एंटर किया। अब यहाँ पे हमने कॉपी फ्रॉम अ पेरेंट वैल्यू हमने किया, ये देखिए सारा सारा हमारा जैसा का जैसा था वैसे ही हमारा आ चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं कंट्रोल ए। डेजिग्नेशन यहाँ पे हमने दे दिया मैनेजर, फंक्शन यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, लोकेशन इनका हम दे देते हैं नैनी, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट हमारा लेगा नहीं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1 8, सॉरी यहाँ से हम दे देते 11 19 19। अब इनका हम दे देते ओ पॉजिटिव, ये राम फादर्स नेम, मनस, एड्रेस भी इनका है हम दे देते हैं नैनी, ठीक। नेक्स्ट हम बना लेते हैं यहां से अंकित, यहां से हम ले लेते हैं ऑफिस क्लर्क ये, और इनका भी हम लोग यहाँ से यस करके यहाँ पे हम लोग स्टार्ट अफ्रेश अगर हम लोग करते हैं तो हमको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब हमने पहले ही सैलरी डिफाइन कर रखी है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये देखिए हो गया कंट्रोल ए। देख सकते हैं यहां से हमने इनका नंबर दे दिया, डेजिग्नेशन हमने दे दिया क्लर्क। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, आई होप कि आप लोग को सारे स्क्रीन पे देख के आप अच्छे समझ में आ रहा होगा। फंक्शन यहां से हम कुछ छोड़ देते हैं, लोकेशन यहां हम दे देते हैं कीटगंज। ठीक है, जेंडर यहां से हम लोग ले लेते हैं मेल। ठीक है, एंड देन उसका डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं यहाँ पे 2 12 19 19।
ब्लड ग्रुप यहाँ पे दे देते हैं, यहां से ए बी पॉजिटिव, यहां से मदर फादर नेम दे देते हैं राम, और यहां से एड्रेस इनका भी हम मेंशन कर देते हैं कीरगंज। ये हमने इस तरह से यहां से बना लिया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब इतना हमारा बन गया, बचा हमारे एक प्यून का, तो उसका भी हम बना लेते हैं। राकेश, यहां से हमने प्यून ले लिया, और यहां से यस, यहां से, और ये हमारा हो गया यहां से कंट्रोल ए। यहां से हमने एम्प्लॉय नंबर दे दिया, डेजिग्नेशन यहां पे हमने दे दिया प्यून, फंक्शन लोकेशन यहां पे हम दे देते हैं रामबाग, जेंडर यहां पे हम दे देते हैं मेल, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं यहां पे 1/5/1990, ठीक है। और यहां से हमने ब्लड ग्रुप दे दिया इनका ए पॉजिटिव, यहां से महेश, इनको भी दे देते रामबाग का एड्रेस, ये देख सकते हैं। ये हमारा पूरा, हमने सारे स्टाफ का जितना भी बनाया था कंप्लीट कर लिया। अब बाहर आते हैं, इसे डिस्प्ले पे आते हैं। ये देखिए, ये हमारा सबका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ तक का पेरोल का सारा प्रोसेस अच्छे समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर चीज ऐसी हो जो ना समझ में आ, तो आप उसे जो है कमेंट करके उसके थ्रू आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोग को जो भी डाउट क्लियर कर सकूं। बाहर आते हैं, इससे हमारे यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक और बचा ऑप्शन, वो है हमारा वाउचर टाइप। आते हैं वाउचर टाइप में, आने के बाद हमको यहाँ पे एक ऑल्ट्रेशन करनी है, किससे रिलेटेड, वो है हमारा क्या कहते हैं पेरोल से रिलेटेड। अब यहाँ पे अटेंडेंस है, पेमेंट है, और ऑटो और पेरोल है। तो आते हैं सबसे पहले हम अटेंडेंस पे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा अटेंड रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। ये हमारा यूज एडवांस कॉन्फिगरेशन नो, यहाँ पे और कुछ चेंज करनी है, यहाँ से नो, और यहाँ से एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ से पेमेंट, ये देख सकते हैं पेमेंट रहेगा, अब यहां पे हम पेमेंट करेंगे तो यहां पे सैलरी क्लास, ये हमने सैलरी क्लास बनाया। ये देखिए, यहां से यूज क्लास और एम्प्लॉयज बेस्ड एट बैंक एलोकेशन, इसको हमने यस कर लिया। ये देखिए, अब यहां से हमने बैंक अकाउंट कर लिया ये, और यहां से हमने कैश इन हैंड को चूज कर लिया, और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट सेम यहाँ पे भी करेंगे, इंक्लूड दीज ग्रुप्स बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कैश इन हैंड ये हो चुका है एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे हमारा कैश गिरा, सैलरी क्लास हमारा हो चुका है। अब आते हैं पेरोल पे। पेरोल पे आने के बाद देख सकते हैं पेरोल हमारा वैसा वैसे ही रहेगा, यहाँ तक कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे पेरोल है, तो यहाँ पे हमारा सैलरी स्लिप, ठीक है, सैलरी स्लिप, और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी स्लिप है, तो इसमें हमारा जाएगा यहाँ से बैंक अकाउंट, इसके अलावा कैश इन हैंड, यहां से फ्रेंड्स एक चीज और आप लोग ले सकते हो, करंट लायबिलिटीज, ये रहा एंड ऑफ लिस्ट, यहां से बैंक अकाउंट, यहां से कैश इन हैंड, यहां से करंट लायबिलिटीज
एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ से कैश और ये हमारा सैलरी स्लिप तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम बाहर आते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ऑल ओवर हमारा पेरोल इन्फो। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को पेरोल इन्फो बहुत अच्छे समझ में आया हो। पेरोल इन्फो में किस तरह से हम लोग सारे के सारे पे हेड, सारे सारे लेजर हमने क्रिएट किए, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से किए, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। अगर कहीं कोई भी ऐसी स्टेप है जो नहीं समझ में आती है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पेरोल वाउचर में कैसे हम लोग एंट्री कराएंगे ये बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और जितना भी आपको स्टेप बताया उसको आप लोग घर पे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, जो ना समझ में आए उसे कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।